इट विल हेल्प यू टू रिमेम्बर दैट फ्रॉम विच पॉइंट यू कैनो डिफरेंशिएट बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर्स ऑफकोर्स वहां परिफरसिएशन का कॉलम भी है लेकिन हम एक्सप्लेन करके ये जानेंगे कि डिफरेंस क्या है ऑलरेडी हमको पता है शेयर्स का मतलब क्या है उनके फीचर्स एंड टाइप ऑफ शेयर हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है डिवेंचर्स ऑल्सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इट लेट इज नाउ डिफरेंशिएट सो दैट हमको और एक क्लिम्स मिल जाएगा वी कैन यू नो अंडरस्टैंड इन मोर प्रॉपर वे बाय बिटवीन द टू ठीक है तो विदाउट डीलिंग चिल्ड्रेन लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंसिएशन बिटवीन शेयर्स एंड मीनिंग ठीक है एंड वी आर अवेयर अर इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इट इज नोन एज ओनरशिप सिक्योरिटीज एंटायर जो शेयर कैपिटल होता है उसका जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज अः शेयर इज एंट इट अ स्मॉल यूनिट विच है फेस वैल्यू इट इज नोन एज ओनरशिप सिक्योरिटीज ऑन द अदर हैंड डिचर इज अ सर्टिफिकेट ऑफ लोन अंडरस्टैंड चिल्ड्रन डिवेंचर रिलेटेड टू द लोन टेकन बाय द कंपनी इन द फॉर्म ऑफ मनी फ्रॉम दीपल ओके डिवेंचर होल्डर्स यू कैन से आर नोन एज क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज तो यू शेयर्स को आप ओनरशिप सिक्योरिटीज बोलते हो और डिवेंचर्स को क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज क्लियर सेकेंड द सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज स्टेटस स्टूडेंट्स अ होल्डर ऑफ शेयर इज द ओनर ऑफ कंपनी डेफिनेटली ये हमने पढ़ा है मोमेंट यू टेक द शेयर ऑफ द कंपनी यू बिकम द ओनर एंड दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज ओन्ड कैपिटल चिल्ड्रेन ऑन द अदर हैंड होल्डर ऑफ डिवेंचर इज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी ये क्रेडिटर होता है जो कंपनी को पैसे देता है और एक लोन के तौर पर वो देता है दैट्स वाई डिवेंचर कैपिटल इज अ लोन कैपिटल और इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज बोरोड कैपिटल ठीक है देन द थर्ड पॉइंट इज नेचर स्टूडेंट्स शेयर जो है इट्स अ पर्मनेंट कैपिटल

Period. ठीक है क्योंकि वो एक डेट है वो एक लोन है सो so इट you know, है इन द जनरल मीटिंग ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है एंड दे पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी जो भी कंपनी की जो भी अफेयर्स होते हैं थोड़े बहुत उनमें उनको उसमें पार्टिसिपेट करने का राइट भी है शेयर होल्डर्स को बट डिबेंचर होल्डर्स को बींग द क्रेडिटर्स दे डो नॉट हैनी वोटिंग राइट रिमेम्बर चिल्ड्रन और वो कंपनी के किसी भी मुद्दे पर या यू नो दे पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी दे आर द क्रेडिटर्स फॉर विच यू नो देव देर क्रेडिट ऑब्वियसली सो इट इज अ लोन कैपिटल उनका अमाउंट उनको मिल जाता है अदर देन दैट दे डोंव एनी वोटिंग राइट नॉर दे कैन पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी ठीक है Then the fifth one is रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है isn't it? Shares, अगर हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स में तो डेफिनेटली हमको कुछ मिलना तो चाहिए ना इन रिटर्न इट इज नॉट दैट जस्ट सिंपली नहीं तो रिटर्न ऑन शेयर्स, इन इक्विटी इन शेयर्स इज कॉल्ड एज डिविडेंड ओके इक्विटी शेयर होल्डर्स जैसे हमको पता है कि दो टाइप्स के शेयर है एक है इक्विटी शेयर्स और दूसरा है यू नो you know, प्रेफरेंस शेयर्स ठीक है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को फ्लक्चुएटिंग रेट में डिविडेंड मिलता है ओके okay, इट इज नॉट फिक्स्ड लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है उनको प्रेफरेंशियल राइट्स भी होता है इफ यू कैन रिकलेक्ट द फ्लैश बैक चिल्ड्रेन ठीक है ऑन द अदर हैंड रिटर्न ऑन डिबेंचर इज कॉल्ड इंटरेस्ट जो डिबेंचर यू नो लेने के बाद जो डिबेंचर होल्डर को मिलता है वो है इंटरेस्ट और ये फिक्स होता है जब ये डील होता है बिटवीन द कंपनी एंड द डिबेंचर होल्डर तो वो तभी फिक्स हुआ होता है एंड जब कंपनी प्रॉफिट्स भी नहीं कर रही होती है तभी भी उनको इंटरेस्ट मिलता है ठीक है लेट्स गो टू द नेक्स्ट दैट इज सिक्योरिटी सिक्योरिटी शेयर कैपिटल इज अनसिक्योर्ड कैपिटल ओके नो सिक्योरिटी इज ऑफर्ड टू द शेयर होल्डर डेफिनेटली इट इज अनसिक्योर्ड है ना बिकॉज uh, की uh, कोई चार्ज बेच कर या कोई असेट बेचकर थोड़े ना वो लोग शेयर होल्डर को uh, पैसे देते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है सो इट इज अनसिक्योर कैपिटल नो सिक्योरिटी इज ऑफर्ड टू द शेयर होल्डर ऑन द अदर हैंड यू कैन सी डिबेंचर कैपिटल बिंग अ लोन कैपिटल स्टूडेंट इट इज क्रिएटेड बाय कैन सी अ चार्ज ऑन दसेट और ऑन द कंपनी प्रॉपर्टी ठीक है अगर कल को uh, उनको अगर अपने कंपनी के असेट भी बेचना पड़े तो वो डेफिनेटली बेचेंगे वहां सिक्योरिटी होती है तो डिवेंचर इज सिक्योर्ड बाई दू नो बाई क्रिएटिंग अ चार्ज ऑन कंपनीज प्रॉपर्टी सो इट्स सिक्योर्ड टाइम ऑफ इश्यू शेयर्स आर इश्यूड इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ द कंपनी फॉर्मेशन डेफिनेटली है ना जब कोई नई कंपनी स्टार्ट होती है तो डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द पीपल गो फॉर यू नो द तो वो इनिशियल स्टेजेस या आईपीओ में भी होता है लेकिन इनिशियल uh, स्टेजेस जब उनको पैसों की जरूरत होती है मे बी नॉट एक्जैक्टली बट येस इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ द कंपनी फॉर्मेशन जब कंपनी फॉर्म होने के प्रोसेस में होती है तभी उनको uh, इशू करते हैं ठीक है डिवेंचर्स जब कंपनी एक सेटल हो चुकी होती है फॉर्म ऑलमोस्ट हो चुकी होती है और उनके पास असेट्स होते है कि कल को अगर वो डिवेंचर्स सेल करते हैं तो उनके पास कुछ प्रोपर्टी या सिक्योरिटी है जिसे वो ऑफर कर सके लोगों को बिकॉज दे आर सिक्योर्ड बाय द्ज ऑफ दाइट

कैपिटल रहता है तो शेयर फॉर अ लॉन्ग टर्म फाइनेंस इट इज नॉट फॉर शॉर्ट टर्म इट्स फॉर लॉन्ग टर्म आर सुटेबल फॉर मीडियम टर्म फाइनेंस ओके इट्स वेरी क्लियर इट्स एक्सप्लेनेटरी ऑल्सो बिंग इट इज अ लोन कैपिटल सो इट इज सुटेबल फॉर द मीडियम टर्म फाइनेंस देन वी हैव द नाइन्थ एंड द टेंथ पॉइंट टाइप्स very simple and we have already studied shares are classified into two students that is one is equity shares and the second one is definitely the preference shares or debentures ki on the other hand you can see debentures are classified into so many they are registered debentures bearer debentures secured debentures unsecured debentures redeemable debentures irredeemable debentures convertible debentures and

ट्रू yes, uh, जब कंपनी बंद हो जाती है तो शेयर होल्डर्स ही यू नो रेसिडिट्स होते वो लिस्ट में सबसे लास्ट ही होते है जो भी कंपनी जो भी उनका है अमाउंट uh, उनको जो मिलने वाला है वो लास्ट में उनको मिल जाता है दे कैन क्लेम इन दी एंड डिवेंच होल्डर्स बींग हैंड बींग क्रेडिटर्स दे रैंक प्रायर टू द शेयर होल्डर्स मतलब शेयर होल्डर्स से पहले उनको प्रिफर किया जाता है इन द पेमेंट ऑफ यू नो ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल यू कैन से तो डिबेंचर होल्डर्स को प्रायर रैंक दिया जाता है देन द शेयर होल्डर्स ऑन द लिक्विडिशन ऑफ द कंपनी सो आई थिंक स्टूडेंट्स दीज आर द टेन पॉइंटली गिव यूर्ट ऑफ गुड व्यू और ग्लांस वेन यूल ऑन द स्क्रीन यूल स्टडी ऑल्सो रिवाइज ऑल्सो एंड यू विल अंडरस्टैंड विच हाईलाइटेड पॉइंट टू रिमेम्बर वेन यू आर स्टडिंग द डिफरेंसिएशन बिटवीन द शेयर एंड चर्स है ना सो यू कैन यू नो यूज दिसविजन ऑल्सो क्योंकि सारे पॉइंट आपके स्क्रीन पर होंगे एंड यू कैन ऑल्सो स्टडी साइमल्टेनियली सो दैट्स इट इन दिसो स्टूडेंट्स बिटवीन शेयर एंड डर सोन आई विल बी कमिंग अबाउट द नेक्स्ट डिफरेंसिएशन विच इज देयर आफ्टर दिस ठीक है दैट इज equity shares and preference shares in the next video i hope the the differentiation have really made you to understand in a very clear and understandable way uh, if so kindly like subscribe and share uh, thank you so much children that's it in this video thank you so much